चिकित्सा को नोबल पेशे के रूप में जाना जाता है और चिकित्सकों को समाज में भगवान का दर्जा दिया गया है। चिकित्सकों को हमारे समाज का सुपर हीरो भी कहा जाता है। कोरोना महामारी से लेकर किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य संकट में डॉक्टर समाज के लिए ढाल बनकर खड़े रहे हैं। कठिन से कठिन बीमारियों में रक्षक बनने वाले चिकित्सक कितने स्वस्थ हैं, क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? यह सवाल इसलिए आवश्यक है क्योंकि सामान्य तौर पर हमें अपनी परेशानी के आगे कुछ दिखाई नहीं देता है, पर इन सब के बीच यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि अगर डॉक्टर से स्वस्थ नहीं है तो वह हमारा इलाज किन परिस्थितियों में कर रहे हैं। नमस्कार, मैं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अमर उजाला। स्वस्थ समाज में योगदान और राष्ट्र निर्माण में अभूतपूर्व भूमिका निभाने वाले डॉक्टर का आभार व्यक्त करने और उनके समर्पण और निस्वार्थ सेवा के लिए सम्मानित करने के उद्देश्य से हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इस खास मौके पर यह जानना जरूरी है कि हमारे डॉक्टर्स किन परिस्थितियों में हमारा इलाज कर रहे हैं। अमर उजाला से बातचीत में डॉक्टर वसीम गौहरी, मधुमेह रोग विशेषज्ञ, बताते हैं कि डॉक्टर के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जनता को बताने, उनके अथक प्रयासों की सराहना करने और बेहतर संसाधनों और काम करने की अनुकूल स्थितियां सुनिश्चित करना जरूरी है। भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दिग्गज दूरदर्शी नेता हैं, जिनके अग्रणी प्रयासों ने देश भर में चिकित्सा पद्धति, लोगों तक इसकी पहुंच और देखभाल को उन्नत किया है। हालांकि इन सब के बीच डॉक्टर्स के साथ अक्सर होने वाली मारपीट, दुर्व्यवहार की घटनाओं को रोकने, उनके व्यक्तिगत जीवन को स्पेस देने और डॉक्टर्स के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशीलता बरतने की जरूरत है। साल 2023 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने एक सर्वे में बताया कि हमलों और आपराधिक मुकदमे का डर, नींद की कमी, तनाव, सामाजिक परिवेश, रूढ़िवादिता के चलते देश में डॉक्टरों का एक बड़ा तबका मानसिक रोगों का शिकार है। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 82.7% डॉक्टर अपने पेशे में तनाव महसूस करते हैं। अलग अलग विभाग से जुड़े देश भर के 1,681 डॉक्टरों पर किए गए एक सर्वेक्षण में शामिल 46.3% डॉक्टरों ने हिंसा के डर को तनाव का मुख्य कारण बताया है। वहीं 13.7% ने बताया कि उन पर आपराधिक मुकदमा चलाने की आशंका थी। अपने मरीजों को हर रात 6 से 8 घंटे की नींद पूरी करने की सलाह देने वाले डॉक्टर्स खुद कई कारणों से नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं। काम के दबाव के चलते स्वस्थ आहार तो दूर, कईयों को तो दिन का भोजन भी सही से नहीं मिल पाता है। वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत कहते हैं कि कई चीजें हैं जिसे बदलने की विशेष आवश्यकता है। जैसे हम डॉक्टर्स को एक तरफ तो भगवान मानते हैं और दूसरी तरफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। मतलब अगर आप महंगे अस्पताल में इलाज कराने गए हैं तो पहले ही मान लिया जाता है हम ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं तो मरीज को ठीक होना ही चाहिए। पर क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? क्या अधिक पैसा जान बचाने की गारंटी है? डॉक्टर सॉफ्ट टारगेट भी हैं। कभी किसी डॉक्टर को पीट दिया, किसी को धमकी दे दी, किसी को आत्महत्या पर विवश कर दिया। क्या हम सड़क टूटने के कारण होने वाली दुर्घटना के लिए ठेकेदार को जिम्मेदार मानते हुए भी उसके साथ ऐसा करते हैं? नहीं, डॉक्टर्स को भी यह समझना होगा कि उनकी भी एक सीमा है। वह ब्रह्मा नहीं है जो नियति बदल दे। वैसे नियति तो बदलते ब्रह्मदेव भी नहीं थे, उपाय निकाल देते थे बस। डॉक्टर से जुड़ा हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस तरह की और खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।